Hello students, this is Archana Chauhan. Today we will discuss exercise 5.5 and chapter name is continuity and differentiability. ठीक है, आज हम बात करेंगे log functions के बारे में कि log कैसे लेंगे और कैसे log functions को हम differentiate करेंगे, कहाँ हम log apply करेंगे. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए. ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखिए. y इक्वल टू cos x, cos 2x एंड cos 3x तीनों फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें लॉग लेना होगा. बट यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ. फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, लाइक वन इज एफ एक्स, सेकेंड वन इज जी एक्स. ठीक है, ये दोनों फंक्शन हैं, इन पर अगर मैं लॉग अप्लाई करती हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स ये बन जाएगा. बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं मैम जब ये ऐसे हो सकता है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, हमें क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमारे दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे तब क्या होगा, log एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स होगा. बट log एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स का कभी भी log एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है. सो जस्ट कीप इन योर माइंड ओनली दिस फॉर्मूला. गॉट इट? नाउ कम टू दिस, ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों तरफ आप log ले लीजिए. हम इसको ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड्स. ठीक है, सो वी विल गेट log y इक्वल्स टू log cos x, cos 2x एंड cos 3x. ठीक है, ये हमें मिल जाएगा. ओके, नाउ वी विल गेट फ्रॉम हियर log y इक्वल्स टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. ठीक है, ये मिल गया. नाउ डिफ्रेंशिएटेड with respect to x, so we will get from here 1 upon y dy over dx equals to 1 upon cos x. So देखो अभी हमने किसका डिफ्रेंशिएशन किया, log का डिफ्रेंशिएशन किया. ठीक है, अब हम किसका करेंगे, cos x का. cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x. ओके, नाउ 1 upon cos 2x, log 2x का differentiation, so we will write here 1 upon cos 2x, and cos 2x का differentiation जब हम करेंगे तो क्या होएगा, minus का sin 2x. and one more thing, 2x का भी हम differentiation करेंगे, तो 2x का differentiation क्या होएगा, simple 2 plus 1 upon cos 3x. एंड जब cos 3x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, वी विल गेट माइनस साइन 3x, एंड फिर हम 3x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन वी विल गेट ओनली 3 हेयर. नाउ अरेंज दम, वी विल गेट dy ओवर dx. वन मोर थिंग, ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में y है, ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. ठीक है, सो मैं डायरेक्टली y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूं. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, cos x cos 2x cos 3x. ठीक है, एंड ब्रैकेट में देखो यहां पर माइनस साइन x अपॉन cos x, यहां भी माइनस है, यहां भी है और यहां भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को कॉमन कर सकते हैं. तो यहां स्टार्टिंग में आप माइनस लगा दीजिए, बिल्कुल बाहर. ठीक है, अब क्या बनेगा, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होते हैं, टेन एक्स प्लस
साइन 2x अपॉन cos 2x, tan 2x, एंड इसके पास साथ में कौन है 2, कॉन्स्टेंट को पहले लिख लेते हैं, एंड 3 tan 3x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y equals to cos x, cos 2x and cos 3x. I hope you understood the concept. Just pause the video to be noted down. Now, students, check for question number 2. Y equals to square root x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4 and x minus 5. ठीक है? इसको solve करने से एक form, पहले एक formula और discuss करते हैं. वो क्या है कि अगर मेरे पास दो functions हो, वो भी कैसे? डिवीजन में, और इनका मुझे क्या लेना हो, लॉग लेना हो, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स. ठीक है, अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो कहते हैं मैम अगर लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स है तो कांट बी राइट लॉग एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स. सो स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन योर माइंड यू कांट राइट लाइक दिस, आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज द राइट फॉर्मूला. ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले पे फोकस करना है ना कि इस फॉर्मूले पे. गॉट इट. वन मोर थिंग कि अगर कहीं लिखा हो लॉग एफ एक्स की पावर n, ठीक है, कहीं लिखा हो log एफ एक्स की पावर n, तो ये जो n होता है ये log से पहले आ जाता है. मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n log एफ एक्स. क्लियर, तो इन दोनों फॉर्मूलास का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे. सो ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर log y इक्वल्स टू log, देखो ये क्या है स्क्वायर रूट, मीन्स इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2. ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, इसकी पावर 1/2. इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 क्या होगा, पहले लिखा जा सकता है. ठीक है, एंड लॉग क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5. क्लियर, आप देखो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लॉग y इक्वल्स टू 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 एंड 1/2 बाहर में रहेगा माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. ठीक है, ये हो जाएगा एंड वन मोर कर्ली ब्रेसेस है. ठीक है, नाउ log y इक्वल्स टू 1/2. लुक यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हमारे पास प्रोडक्ट में रखे हुए हैं. ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट log एफ एक्स प्लस log जी एक्स. ठीक है, हम इसको log एफ एक्स प्लस log जी एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा यहां से, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 एंड माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5. ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा. नाउ डिफ्रेंशिएटेड, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देन वी विल गेट 1/y log y इक्वल्स टू 1/2 log x माइनस 1 मीन्स 1/x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 एंड माइनस 1/x माइनस 5. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इस y को हम इधर लेकर जा सकते हैं और इस y की यहां से वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी पुट इट डाउन. स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर
3, it is y equals to log x raised to power x, cos x, ki whole power cos x actually, raised to power x nahi, whole power cos x, ठीक है. तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, अगर किसी कोई फंक्शन हमारे पास हो और उसकी होल पावर n हो तो क्या होता है, ये जो पावर होती है पहले आ जाती है, ठीक है. तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो वी विल गेट लॉग y इक्वल्स टू लॉग एंड लॉग cos x की होल पावर कितना है, cos x, ठीक. सो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू cos x क्या होगा, पहले आ जाएगा. सो वी विल राइट cos x log log x, ठीक है. अब क्या करेंगे, नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल गेट 1 अपॉन y एंड y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है. और यहां से क्या रहेगा, ये cos x. अब यहां फोर्थ सेकेंड अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्थ सेकेंड, ठीक है. जो हमने प्रोडक्ट रूल इसमें पढ़ा था, क्या था कि इफ यू हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है. सो क्या करते थे, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन एंड प्लस सेकेंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है. सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. सो फर्स्ट इज ही, फर्स्ट इज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग एक्स. भाई जब लॉग का किया तो वन अपॉन लॉग एक्स हो गया, और जब लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है. और ये जो y है ये इसके RHS आई के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर dy ओवर dx, y की वैल्यू हम रख सकते हैं डायरेक्टली log x रेज टू होल पावर cos x, ठीक है, log x होल पावर cos x. नाउ फ्रॉम हियर cos x अपॉन x log x यहां से रह जाएगा एंड माइनस साइन x log log x, ठीक है, यहां से जाएगा. अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, तो ये x log x इधर में चला जाएगा, ठीक है. अदरवाइज इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4. y equals to x raised to power x minus 2 raised to power sin x, ठीक है. तो अब यहाँ देखो हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है. तो इन दैट केस हम ऐसे लॉग नहीं ले सकते, ठीक है. इन दैट केस व्हाट टू डू, लेट u equals to x raised to power x एंड v equals to 2 raised to power sin x, ठीक है. ये हमने इसको सपोज कर लेना है. जब आप इसको ये सपोज कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू यू माइनस वी. नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx माइनस dv ओवर dx, इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है. आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो फॉर यू इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, वी विल गेट लॉग यू इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x log x. नाउ डिफरेंशिएट 1 अपॉन u, u का क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, du ओवर dx, एंड हियर वी अप्लाई फर्स्ट सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. फ्रॉम हियर वी विल गेट du ओवर dx, एंड जो ये u है ये
RHS में पहुंच जाएगा एंड यू की हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो x रेज टू पावर x एंड यहाँ x से x कट जाएगा, वी विल गेट 1 प्लस log x, इक्वेशन नंबर 2. लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व फॉर दिस ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स. इसमें भी क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड का. सो ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है. सो क्या मिलेगा यहां से, log v इक्वल्स टू साइन x log 2, ठीक है. क्या किया है, so, log लिया इसका तो साइन x क्योंकि पावर में है तो क्या होगा, पहले आ जाएगा. सो साइन x log 2. अब log 2 क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, x का फंक्शन नहीं है. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv ओवर dx इक्वल्स टू log 2 एज इट इज एंड साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x. नाउ dv ओवर dx, अब ये v राइट हैंड साइड में जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन एंड वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ v, इट इज 2 रेज टू पावर साइन x एंड वी हैव log 2 एंड cos x. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ du ओवर dx एंड dv ओवर dx वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. तो वी कैन से फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से व्हाट वी विल गेट, dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx, कितना है हमारे पास, दिस वन, इट इज x रेज टू पावर x इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस log x एंड माइनस वैल्यू ऑफ dv ओवर dx, ये वैल्यू हम यहां रखेंगे. सो इट इज 2 रेज टू पावर sin x एंड log 2 एंड cos x, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4.